दासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती एक बार फिर चर्चा में, इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। नरसिम्हानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को नंबर एक जिहादी बता रहे थे। और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, आज स्थिति यह है कि इस्लाम के जिहादी हमारा हर तरह से कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज आज पूरी दुनिया में नहीं है, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों के पास पेट्रोडॉलर है और नेताओं का दिया हुआ बहुत सारा बल है। आज शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो, लेकिन ना हमारी कोई पीड़ा छपती है, ना हमारी पीड़ा कहीं सुनी जाती है, ना कोई हमारे बारे में बोलने वाला है, ना हमारा हिंदुओं का कोई नेता है, ना हमारा कोई धर्मगुरु है और ना ही कोई संगठन है। हम छोटी मोटी आवाज लगाते हैं और वो आवाज अनसुनी रह जाती है। और आज स्थिति ये है कि उन्होंने जिस तरह से ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री उनकी जनसंख्या के बूते पर जिस तरह नाजायज तरीके से उन्होंने इस देश को कब्जाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, केवल ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये दिल्ली उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे लेबनान है, और यहां सारे लोग मारे जाएंगे। ये हिंदुओं की 1400 साल की पीड़ा को आवाज देने के लिए हम लोग विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं, विश्व धर्म संसद जिसमें हम पूरी दुनिया के रिलीजियस धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि 1400 साल तक इस देश में क्या होता रहा है, आज भी इस देश में क्या हो रहा है, और जो आज हमारे साथ हो रहा है ये कल यूरोप में भी होगा, ये कल अमेरिका में भी होगा, ये कनाडा में भी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। इस बात को करने के लिए 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर 5 दिन की विश्व धर्म संसद हम लोग हिंदुओं की हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी है हरिद्वार वहां पर इसे आयोजित कर रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा हम दुनिया को बता सकें और दुनिया को दुनिया का भविष्य बता सकें कि इस्लाम के जिहाद के साथ दुनिया का क्या भविष्य होने वाला है। और इस आयोजन के मुख्य संयोजक हमारे कर्नल टीपीएस त्यागी जी, जिन्होंने अपनी वीरता के कारण वीर चक्र अर्जित किया है, कई युद्धों में आप लड़े हैं और आज भी सामाजिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े योद्धा हैं। कर्नल साहब इसके मुख्य संयोजक होंगे, हम सब लोग कर्नल साहब के सहायक के रूप में होंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि दुनिया के हर काफिर तक, काफिर मतलब गैर मुस्लिम तक हमारी आवाज पहुंचे और हमारी आवाज सुनी जाए, क्योंकि मुसलमानों की आवाज सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा कत्ल भी होता है, दिल्ली के दंगे होते हैं और यहां एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके लिए भी हिंदुओं को, उन हिंदुओं को जो मारे गए, वो हिंदू जिनके घर जलाए गए, जिनकी बेटियों से बलात्कार हुआ, जिनके कत्ल हुए, जो आज जेलों में उन्हीं को दोषी ठहरा रहे, क्योंकि उनका एक बहुत मजबूत गुट हर जगह है और हमारी पीड़ा कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये एक विश्व स्तरीय आयोजन जिसमें पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं, मेरा अनुरोध है कि आप यदि निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपने आतंकवादियों के बारे में बहुत लिखा है, यहां ऐसे भी नेता हैं जिन्हें नींद नहीं आती जब आतंकवादी मारे जाते हैं, ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का जो उनको रोने के लिए पहुंचता है, लेकिन निर्दोषों के लिए भी रोइए, निर्दोषों की पीड़ा भी दुनिया के सामने पहुंचाइए, यही मेरा आप लोगों से कहना है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन,
यति नरसिंहानंद जी ने जो कुछ कहा, पहली बात तो मैं उनसे सहमत हूँ, इनके साथ हूँ। देश में जब भी कोई विपदा, कोई बात नहीं, जब भी कोई विपदा आती है फौज को बुला लिया जाता है और स्थिति नियंत्रण में हो जाती है। क्यों? 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज, वो सरहद के ऊपर सुरक्षा भी दे और फिर कोई विपदा हो उसको भी, स्थिति को नियंत्रण में लाए। कारण उनके पास है अनुशासन, प्रशिक्षण, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। और जो फौज के पास है वो सेवानिवृत्त सैनिकों के पास भी है, मैं उनमें से एक हूँ। आज की तारीख में रेडिकल इस्लामिक जिहाद एक आपदा बन चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग आपदा बन चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग भी आपदा बन चुके हैं, देशद्रोहियों का एक बड़ा गिरोह इकट्ठा हो चुका है। इस आपदा को नियंत्रण में करने के लिए हम आगे आए हैं, स्वामी जी के साथ हाथ मिलाया है और हम तीन काम अभी तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं, इसी महीने में प्रारंभ कर रहे हैं। पहला, वर्ल्ड सनातन पार्लियामेंट, आई रिपीट, वर्ल्ड सनातन पार्लियामेंट का शिलान्यास किया जा चुका है। कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट दिस मंथ इन डासना धाम मंदिर। ये जो बनेगा, इट विल बी द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ हिंदूज। हिंदुओं के जो डिफरेंट फिरके इधर उधर हैं, उन सब का कोई केंद्र बिंदु था ही नहीं पूरी दुनिया में, वो कम से कम एक जगह आके मिलेंगे, तो दिस इज वन एक्ट, पॉजिटिव एक्टिव। दूसरा, एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग, जिसमें युवाओं को बताया जाएगा लाठी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, शॉर्ट रेंज पे राइफल चलाना, ये सब तो है ही, इसके साथ साथ उनको डिजास्टर मैनेजमेंट और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सेक्शन 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन, ये सब बनाया जाएगा। 15-15 रोज के बैच चलेंगे, इसी महीने 25 अप्रैल से पहला बैच प्रारंभ होगा। तीसरा, सभी मंदिरों के अंदर एक किस्म से अनुशासन लाने के लिए प्रत्येक मंदिर को ऑलरेडी शंकराचार्य जी की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है, वो भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। आदेश ये है कि प्रत्येक मंदिर में हर पुजारी प्रातः और सायकाल आरती के बाद 15 मिनट तक केवल घंटियां बजाएगा, घंटा बजाएगा, शंखनाद करेगा, और ये काम मिलिट्री प्रिसिशन के हिसाब से होगा, और जो पुजारी इसे नहीं करेगा उसको अनुशासित करने का काम हम करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था करेगी। ऐसा आदेश शंकराचार्य पीठाधीश्वर सुमेरु काशी पीठ ने और लेडी लिखित में जारी कर दिया है। अन्य शंकराचार्य भी कर रहे हैं और ये भी कार्य इसी महीने के एंड से प्रारंभ होगा। ये तीन हम अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं, और जो दायित्व यति नरसिंहानंद जी ने दिया है, एक अकेला ऐसा संत जो हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ, 50 तरह की कमियां निकालने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, पर इनका समानांतर है क्या कोई? छोड़िए देश में, दुनिया में है क्या कोई? और अगर नहीं है और सही बात है और मन में सब सोच रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही बात है, अब अगर खुल के इनके साथ ना आए तो ये अपने साथ भी गद्दारी होगी, देश के साथ भी गद्दारी होगी और सनातन धर्म के साथ भी गद्दारी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना साहब। सभी बंधुओं को नमन। हम उस संस्कृति के, उस धर्म के वाहक हैं जो इस पृथ्वी की रक्षा करती है, इस मानवता की रक्षा करती है। इस मानवता का दुश्मन कौन है, इस पृथ्वी का दुश्मन कौन है, उसको समझाने के लिए इस्लामिक जिहाद का तो पर्दाफाश करना ही होगा। इस्लामिक जिहाद जिसका लक्ष्य यही है, इस पृथ्वी पे गैर मुस्लिम का रहना स्वीकार नहीं है। तो मैं बार बार यह कहता हूँ कि जो हमें शत्रु मानता है, जो हमें काफिर मानता है, जो हमें बेईमान कहता है, जो हमें अविश्वासी मानता है, और जो कहता है कि इनका रहने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम उस शत्रु को ना पहचाने? हम धर्म की जय बोलते हैं तो धर्म की जय कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म के शत्रु को तो बताना पड़ेगा। मानवता की रक्षा के लिए सनातन संस्कृति से बड़ा कोई संस्कृति इस पृथ्वी पर नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति जीवित है, और सनातन संस्कृति में ही वो ताकत है जो मानवता का कल्याण कर सकती है। हम केवल हिंदू हैं या गैर मुस्लिम हैं, ये हमारा निर्दोष है? ये कैसा दोष समझ आ जाता है कि उनको रहने का अधिकार नहीं है? हम चाहे कुछ भी पाप करें या ना करें, केवल एक गैर मुस्लिम होने के कारण मुसलमान हमें हर तरह से कोसते हैं, मारते हैं,
हर मतलब हर प्रकार से रक्त संचार रक्त बहाते हैं हमारा, तो हम सुनवाई करते रहे। अन्याय सहने के लिए बार बार कहते हैं अन्याय सहना पाप है, और जो अन्याय सहते हुए देख रहा है वो भी तो पापी है, वो भी तो अपराधी है, तो क्या हम अन्याय सहते रहे? बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं कि अन्याय मत सहो, धन की रक्षा करो, तो किससे अन्याय के विरुद्ध तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना, धन की रक्षा के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। जगह जगह लूट मार, चोरी डकैती, बहनों को उठाना, और ना कितने प्रकार के जघन्य अपराध देश में व्याप्त हैं, उनके पीछे कौन है? एक संस्कृति जो बार बार कहती है कि लूटो मारो खाओ, यही उनको सवाब मिलेगा, ये उनकी पूजा है, ये उनका पवित्र कार्य है। आप सोचें उनके शास्त्रों में क्या लिखा होता है, उनकी पुस्तकों में क्या लिखा होता है कि लूटो मारो खाओ मौत करो, यही जीवन बना हुआ उनका। दूसरों को जीने का हक ही नहीं देना चाहते, ये संस्कृति नहीं, ये पाप है। ये इस पाप को मिटाने के लिए हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। इस पृथ्वी से इस्लामिक जिहाद को खत्म करेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा। मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में वो सामर्थ्य है कि हम उस संस्कृति के वाहक हैं, हमें उसको आगे ले जाना है, समझना है। हम ऋषि मुनियों महर्षियों की संतानें हैं, हमें उसका भी आदर्श कायम करना है। हम ये सोचना है कि हम कितनी बड़ी संस्कृति के वाहक हैं। हम फिटते रहे, लुटते रहे, क्यों? क्या हमारी रक्तभानियों में कोई खून नहीं दौड़ना? हमारा खून के ठंडा हो चुका है। हमें सोचना होगा हम कब तक इस तरह से कुटते पिटते रहेंगे, विवश होकर जीते रहेंगे। इस राजनीति ने, लोकतांत्रिक राजनीति ने हमें सबसे ज़्यादा अहित किया है। जिस गांधी ने अल्लाह और ईश्वर राम को एक कर दिया, राम के भजन में अल्लाह और ईश्वर एक कर दिया, वो कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। हम उसी को आज तक धोते चले आ रहे हैं। क्यों भाई? वीर सावरकर को भूल गए जिन्होंने कहा राष्ट्रीय हिंदुत्व है, हिंदुत्व राष्ट्रीय है। हम भूल जाते हैं चाहे चाणक्य को, हम भूल जाते हैं महाराणा प्रताप को, हम भूल जाते हैं वीर शिवाजी को। क्यों? क्या हमारे महान पुरुषों में वो ताकत नहीं थी जिन्होंने समय को जीवित रखा, और आज हम सामर्थ्यवान हैं कि हम लड़ें, झगड़ें और आगे बढ़ें, अपने को पापियों से बचाएं। पेट्रो डॉलर की बात की स्वामी जी ने अभी, पेट्रो डॉलर तो अरब की तरह से देश का मूल का पैसा है, हमारी भूमि में इतनी संपदा है, हम क्यों नहीं उस धन को यूज करते अपनी धन की रक्षा के लिए? धन की रक्षा होगी तभी तो हमारी भूमि बचेगी। हम पेट्रो डॉलर का बहाना बराबर बनाते हैं कि पेट्रो डॉलर जिहाद के लिए आ रहा है। अरे हमारे पास भी तो धन संपदा है, हम उनको भामाशाह बनते क्यों नहीं सदुपयोग करते उसका, अपने धन की रक्षा के लिए, अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए। उनको बताएं कि हमारा धर्म क्या कहता है। मानवता से कि कल्याण से बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सभी लोग यथासंभव सहयोग करें। सरस्वती महाराज का एक नाम आज मैंने इनको दिया है। सबसे पहले मैं कुछ सवाल है मेरे मीडिया से भी और सरकार से भी, ऐसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, सवाल तो आप लोग पूछते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जब मैं इनके साथ स्वामी जी के साथ लगा तो मुझे लगता था कि ये वैसे ही घूमते हैं, कुछ बिना मतलब की बातें हैं। भाई सुनने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। एक चीज में सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, सभी हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि जो इनके कुरान में लिखा हुआ है, बताया नहीं है, लिखा हुआ है, क्या हम उसे भी समझना चाहते? ठीक बात, हम लिखी हुई चीज को समझना नहीं चाहते। हम काफर में लिखा हुआ है इनको मारने से जन्नत मिलेगी, वहां 72 हूरे मिलेगी, वहां शायद की टोपियों की नदियां मिलेगी, वो इन्होंने लिखा है। अगर नहीं लिखा होता और वैसे ही कहते तो हम सोचते यार झूठ बोल रहे। एक चीज लिखी हुई को भी अगर हमारे मीडिया पत्रकार उसको अच्छी तरीके से नहीं लिख सकती या बता नहीं सकती, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, भाईचारे पर नहीं हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। उनको, अरे पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने एक हिंदुस्तान को कब्जा करने के लिए एक अड्डा बनाया था वहां पे, जिससे हम हिंदुस्तान को आराम से कब्जा सके। यहां भी हमारी सरकार होगी, वहां भी हमारी सरकार होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे उस टाइम पर 30% हिंदू वहां थे, वो कहाँ हैं? जो है 4-5% मुसलमान थे, आज वो 25% हो गए, और वो हमारे 30% आज 29% खत्म कर दिए।
और सिर्फ 1% बचे हुए हैं। मैं उनकी मांग करता हूं, अगर वो वहां पे नहीं है तो उनकी जमीन जो है हिंदुस्तान उनको दी है वो हमें वापस दी जाए, और यहाँ का मुसलमान को वापस कर दिया जाए। इनका यहाँ पर रहने का कोई हक ही नहीं है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया सरकार ने, तो यहाँ पर इनका रहने का अधिकार क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं। आपने अभी देखा होगा, हमने अपनी आंखों से जो देखा है, और यह सच है कि इन्होंने, इनके 55-56 देश हैं जिसमें 35 देश हमारे हिंदुओं के हैं। ये दो चार घर वहां पर जाते हैं और 50 साल में 100 साल में 100% खत्म करके उनको, ये रिकॉर्ड है, ये सबके साथ है। और जो हमारे आंखों के सामने हुआ, हमारे बच्चों के सामने हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर 5.5 लाख हिंदुओं को रात रात में वहां से भागना पड़ा, कौन जवाब देगा इसका? क्या हम सेवन के बीच में जो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, क्या वे बच्चे क्या हमारे साथ मिलकर रह सकते हैं? जब हम भाईचारा, कितना बढ़िया शब्द बोलते हैं भाईचारा, भाई बना के चारा बना दिया, हमें भाई बना के चारा बनाते हैं, ये इनके रिकॉर्ड है। हमारी बहन बेटियों को ये जिहाद फंसाते हैं, लव जिहाद, और फंसाने के बाद उसकी कितनी बड़ी दुर्गति होती है ये मीडिया से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके बारे में जो इन्होंने किताबों में लिखा है कम से कम उसे तो प्रकाशित करो। आप देखिए कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग पहले कोसते थे कि मुस्लिम शासन है, फिर अंग्रेजों का शासन आया उसको भी कोसते रहे, लेकिन जब देश की स्वतंत्रता के लगभग 74 साल हो गए, उसके बाद भी क्या देश में एक समान नागरिक कानून बना है? मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, हिंदू 1 शादी कर सकता, मुसलमान 4 शादी कर सकता, 3 तलाक कह के पत्नी को छोड़ दे सकता, हिंदू 1 या 2 बच्चे पर सिमट गया, मुसलमान 12, 14, 15, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? इसलिए यह जो धर्म संसद है उसकी बड़ी आवश्यकता है, उसमें फिर से हिंदुस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होगी, इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू करने की बात होगी, इस देश में जो गैर हिंदुओं का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है उस जनसंख्या के बढ़ने के सिलसिले को रोकने पर चर्चा होगी, रोकने के प्रयासों पर चर्चा होगी, और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि सरकार कोई मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए कि गैर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो सके और इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हिंदू यहां पर अल्पसंख्यक हो गया उस दिन वहां पर एक भी हिंदू नहीं बचेगा, सारे मुसलमान बन जाएंगे। आज क्या स्थिति है पाकिस्तान का, आज क्या स्थिति है बांग्लादेश का? जब देश का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, आज कितना है ये आप देख लीजिए। हिंदुओं को भगाया जा रहा, मारा जा रहा, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, पूरे वर्ल्ड में लव जिहाद चल रहा है, और केवल हिंदू ही उससे प्रभावित नहीं है, जितने भी गैर मुसलमान हैं सभी की महिलाओं, सभी की बच्चियों, सभी की बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाया जा रहा है। इसलिए जो विश्व धर्म संसद है उसमें सभी संप्रदायों के साधु संतों को बुलाया जा रहा है ताकि उस पर चर्चा हो कि किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद और लव जिहाद, इसके माध्यम से गैर हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, इस पर व्यापक चर्चा होगी, सरकार पर इस चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा उसको दिया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि एक बार फिर से हिंदुस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, फिर से हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाया जाए और इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए कि यहाँ के हिंदू सुरक्षित हों, सम्मानित हों, हिंदू महिलाएं सुरक्षित हों, सम्मानित हों। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से इस विश्व हिंदू संसद को पूरा समर्थन देता हूं, हर प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा इस संसद को समर्थन देगा, और यति नरसिंहानंद महाराज जी जो हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के सम्मान के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में पूरी तरह से स्वामी जी के साथ हैं
और हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता स्वामी जी के हिंदू बचाओ हिंदू की रक्षा करो का जो अभियान है उसके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। आज पूरा विश्व इस्लामिक जिहाद की चपेट में आ रहा है। 15 तारीख से 19 दिसंबर तक विश्व धर्म संसद का आयोजन करा जा रहा है। वो केवल इसलिए कि इस देश इस विश्व के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम हैं अन्य मत धर्म के मानने वाले लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आए। यदि मानवता को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस्लामिक जिहाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज पूज्य यती नरसिंहानंद जी इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं कि पूरे विश्व की मानवता बचे, तो विश्व भर से उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह देश लोकतांत्रिक देश है, यहां कहा जाता है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सब अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र है। पर इस देश के अंदर यदि हिंदू अपने संरक्षण की बात करता है, अपने बच्चों के भविष्य की बात करता है, तो उसको जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इसी सबके विषय को लेकर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विश्व धर्म संसद का आयोजन करा जा रहा है जो हरिद्वार में होगा। हम आप सबके माध्यम से पूरे विश्व भर के सभी धर्म के मानने वाले लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आइए आइए एक बार सभी साथ मिलकर इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। अभी त्यागी जी ने एक विषय रखा, बस उसी को एक मिनट में लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी वसीम रिजवी जी ने एक PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप सब जानते हैं कि 26 आयतें हैं, इनको बैन करना चाहिए, तो उनके ऊपर भी बड़ी धमकियां हैं, उनके घर के आगे भी हमले हुए, आज वो घर के अंदर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर तो वैसे बहुत सी बातों में जनमत संग्रह होता है, तो एक बार कुरान की जितनी भी वो विवादित 26 आयतें हैं उनका केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उनका अनुवाद करवाकर सभी लोगों के बीच में ले जाएं, जो सही है जो गलत एक बार पब्लिक के सामने आ जाने। सभी स्वामी जी के साथ हैं। और देखो इस्लामिक जिहाद का सबसे लेटेस्ट उदाहरण है वो कश्मीर का, भारत में कश्मीर से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, और मैं वहीं पर पोस्टिंग रहा 6 साल मेरे कश्मीर के हैं। हिंदू को बचाया नहीं, बोलते ना ये मुसलमान हमारे पास का मुसलमान तो अच्छा, लेकिन मुझे कश्मीर में कहीं भी जो घाटी बोलते हैं वैली बोलते हैं वादी बोलते हैं इसको, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है। तो कम से कम अगर ऐसा इस्लामिक जिहाद अच्छा होता, कोई जिहादी अच्छा होता, तो किसी हिंदू को तो बचा के रखता। जो हिंदू बचे हुए हैं वे कुछ लद्दाख में हैं जो बौद्धिस्ट हैं, या जम्मू डिवीज़न के अंदर हैं। तो ऐसा इस दिल्ली NCR में ना हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना हो, पूरे भारतवर्ष में ऐसा इस्लामिक जिहाद ना हो जो श्रीनगर में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। इसी के लिए स्वामी जी का प्रयास है पूरे विश्व के जो इस्लामिक जिहाद से लड़ने को तैयार हो ऐसे योद्धाओं से बैठ कर के चिंतन मनन करना, और इस पूरी सत्य सनातन संस्कृति को पूरे विश्व को इस्लामिक जिहाद से बचाने के लिए इस विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा। और हमारा मेन उद्देश्य यही है सभी का कि इस पूरे विश्व में शांति बने रहे, जो गदर इराक में हुआ है, सीरिया में हुआ है, उसके लिए सुन्नत है। तो मोहम्मद का पूरा चरित्र, पूरी कुरान और पूरी हदीसें हम इस्लाम के ऑथेंटिक मौलानाओं ने जो बोला है वो धीरे धीरे कर दुनिया के हर काफिर तक, हर गैर मुस्लिम तक पहुंचाएंगे। मान लीजिए मेरा कत्ल हो जाता है या मुझे जेल में ठूंस दिया जाता है, तो मेरे बाद मेरे शिष्य साथी हैं दीपक सिंह जी, बाबा परमेंद्र आर्य जी, और जो मेरे बच्चे हैं बहुत सारे हैं, वो इस काम में लगे रहेंगे। कर्नल साहब लगे रहेंगे, विनोद जी लगे रहेंगे, सुनील जी लगे रहेंगे, मुन्ना जी लगे रहेंगे, सब लोग लगे रहेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग सच बोलेंगे, और सच बोलने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। जरूरत पड़ेगी अपनी गर्दन कटवाएंगे, जरूरत पड़ेगी जेलों में जाएंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, हर कीमत पर लाएंगे, जो कीमत देनी है वो कीमत देंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई। मैं यती नरसिंहानंद सरस्वती, मेरा काम केवल इतना है कि जिस चैप्टर को खोला नहीं जा रहा था, आज वो चैप्टर दुनिया के सामने आए, दुनिया को पता चले कि मोहम्मद क्या था, दुनिया को पता चले कि कुरान क्या कहती है, दुनिया को पता चले कि हदीसों में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है।
ये बताना मेरा काम है। हम इस काम को हर कीमत पर करेंगे और ये काम होगा। दुनिया देखेगी, दुनिया में केवल प्यार रहेगा। ये नफरत फैलाने वाले, ये दूसरों का कत्ल का फरमान देने वाले सब खत्म होंगे, लेकिन उसके लिए हमें छाती खोलकर इनकी गोलियों के सामने अड़ना पड़ेगा। और जो राजनीतिज्ञ इनकी वोटों को भारी समझते हुए, हमें कमजोर समझते हुए अपने डंडे हम पर बरसाते हैं, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि हम मरने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, जो करो उसे झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया इस्लाम को जान। हम विश्वगुरु थे और हम विश्वगुरु होंगे, लेकिन विश्वगुरु तब थे जब धर्म के लिए मिटने वाले लोग यहां पर थे। और आज जब हिंदुओं के साधु धर्म के लिए और हिंदुओं के सैनिक धर्म के लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे, हम दोबारा विश्वगुरु बनेंगे। और ये आयोजन जो 5 दिन का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, ये दुनिया के इतिहास का अनूठा आयोजन है। और ये भी 99.99% चांस है कि 15 दिसंबर आने से पहले मेरा कत्ल हो जाए, 15 दिसंबर आने से पहले मेरा कत्ल हो जाए, इसके चांस 99.99% है। लेकिन मेरी आवाज ना तो रोकी जा सकेगी, ना दबाई जा सकेगी, और ना ही मुझे डराया जा सकेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है उन कातिलों का जो कहते हैं कि दूसरों के मंदिर भी तोड़ेंगे, दूसरे के देवताओं को गाली भी देंगे, उनकी बहन बेटियों की मंडी भी लगाएंगे, लेकिन हमारे लुटेरे की तरफ, हमारे डकैत की तरफ, हमें डकैती सिखाने वाले की तरफ यदि तुमने कोई आवाज लगाई तो तुम्हारा सर कत्ल कर देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। और मैं धिक्कार देता हूं ऐसी सरकारों पर जिन सरकारों के होते हुए भारत भूमि में, ये वीरों की भूमि है, लेकिन हमें ये भाईचारे का झूठा ड्रामा सुनाकर सुला दिया गया, और हमें एक तरह से जैसे भेड़ों को इंजेक्शन लगाकर कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल खाने की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन बहता हुआ हमारा नरसिंहानंद का गर्म खून, बहता हुआ क्रांति लाएगा। और दुनिया याद रखेगी कि मुट्ठी भर लोग जालिम के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। दुनिया का इतिहास बदला जाएगा, लेकिन उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जहां तक भी हमारी बात पहुंचे, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर हरिद्वार विश्व धर्म संसद, केवल हिंदुओं का नहीं, उसमें ईसाइयों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, यहूदियों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, पारसियों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, बौद्धों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, जैनों के, सिखों के, सबके धर्मगुरु और बुद्धिजीवी आमंत्रित हैं। आइए, हमारी सुनिए, अपनी कहिए, और जो सच हो वो दुनिया के सामने लाइए। स्वामी जी, आपने लीगल एक्शन क्या लिया? हम लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं बताइए? कोर्ट में हमने बहुत अपील की, कभी हमें न्याय नहीं मिला। अब केवल हम रो रहे हैं। मैं नरसिंहानंद सरस्वती, केवल हिंदू की पीड़ा और पूरी दुनिया की पीड़ा केवल दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहा हूं। अगर कोई लीगल एक्शन लेगा हम साथ देंगे उसका। क्योंकि पूरी दुनिया में धर्म होनी है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तो न्यूयॉर्क में होनी है, लंदन में होनी है, पेरिस में होनी है, चीन में होनी है, टोक्यो में होनी है, तो ये आज से शुरू हुई है। हमारे लोग दुनिया के कोने कोने में जाने वाले हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, भारत में ही हम लोगों को 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और वो एक हफ्ते पहले नहीं हो जाएंगी। करने वाले हम लोग लिमिटेड लोग हैं, हम लोग 50 लोग हैं इस टीम में, और उसमें हम लोग अपना काम बांट के काम करेंगे। और इसके साथ हमें और भी काम करने, जैसे कर्नल साहब ने बताए थे, तो अभी बहुत देर हो चुकी है, हमें 3 साल पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, हम 3 साल लेट हैं। लेकिन ये इवेंट इतनी बड़ी होगी कि चलो कोई बात नहीं, माँ और महादेव हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे, और जब जागो तभी समय को देखिए कि उनके पास कितनी ताकत है, और मेरे साधनों को देखिए। 300 करोड़ रुपए का इनाम है मेरे सिर पर, आप पता कर सकते हैं, 300 करोड़ रुपए का। कोई सरकार मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही, मेरे वो तो मेरे अपने शिष्य हैं जिनकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। इसका सबसे बड़ा पीड़ित मैं खुद हूं, लेकिन ये सवाल नेताओं से पूछना चाहिए जो हिंदुओं के आंदोलनों को हाईजैक करते हैं।
मैं तो अपनी केवल पीड़ा, जो आपकी पीड़ा है वही मेरी पीड़ा है, कोई अंतर ही नहीं है, जो आपकी पीड़ा वही। लेकिन मैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूं, मैं किसी की गारंटी, लेकिन मैं नरसिंहानंद की गारंटी देना चाहता हूं। मैं अपने जीव देखे, मैं आप कुछ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं केवल एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि अब मेरी ना तो उम्र रही है हाथ में हथियार लेकर लड़ने की, और ना ही मेरी शारीरिक अवस्था है। लेकिन इनके पाखंड को, इनके झूठ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, केवल मेरा इतना काम है, इसके सिवा और कोई भी काम करने लायक मैं नहीं हूं। मैं ना तो बड़े धर्माचार्य मुझे मदद करते, एक भी हिंदुओं का कोई एक नेता आप मुझे बता दो जो विधायक हो या सांसद हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो, एक बड़ा धर्माचार्य बता दो जो बड़ी पीठ का अधीश्वर हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो, जबकि मुसलमानों का हर नेता चाहे ओवैस। एक खास बात बताता हूं आपको, अगर कल को यहां हिंदू खत्म हो गए और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गए तो पहला कत्ल ओवैसी का होगा, क्योंकि ओवैसी सिया है, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। आज तो चाहे फोटो उसके लटक रहे हो, पाकिस्तान बनने के बाद उसे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं मिली थी पाकिस्तान में। जिन्ना की तो जितनी इज्जत हुई थी केवल भारत के हिंदू नेताओं ने की थी। तो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पीड़ा है, मैं तुम्हारी पीड़ा दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं दुनिया से कहूंगा कि हिंदू लड़ने वालों का साथ देना सीखें। ये मेरी भी पीड़ा है, ये तुम्हारी के, मेरे पास लोग आते हैं 10 रुपए देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं नेताओं को बिल्कुल ना बोलूं, जबकि मैं तुम्हारी बात, जो तुम्हारी बात है मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन भाई मैं किसी भी ऐसे आदमी से एक पैसा नहीं लूंगा जो अपनी शर्तों पर पैसा देगा, जरूरत नहीं है। हमारा कार्यक्रम कमजोर रह जाएगा कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम पैसा केवल दान का उसी से लेंगे जो बिना किसी शर्त के हमें पैसा देगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पैसे की जरूरत नहीं है जो कहेगा कि भाई नहीं, हमारे नेता हम सबके लिए। और हम, तुम देख लो पिछला मेरा इतिहास देख लो बेटा, और मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, अगर हिंदुओं का ये पाखंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नस्ल खत्म होगी। जब कांग्रेस थी, हिंदू कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे, आज जो है हिंदू इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, मैं इसे समझता हूं और मैं जानता हूं। मैं 50 सेकंड बोलना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ऐसा वो भी सही कर रहे हैं, क्यों ना करते वो? क्या कोई दुनिया में ऐसी जगह है, ऐसा केंद्र बिंदु है जहां हिंदुओं के डिफरेंट ग्रुप जाके मत्थर टेक सकें, एक हो सकें, जिसे अपना हेडक्वार्टर बना सकें? और यही सोच के जो वर्ल्ड सनातन पार्लियामेंट का शिलान्यास शंकराचार्यों द्वारा कराया गया, जिसकी ड्राइंग तैयार, कंस्ट्रक्शन 3 दिन में प्रारंभ होने वाली है, और हो सकता है कि बारिशों से पहले पहले स्लैब पड़ जाए और 31 दिसंबर 2021 से कम ऑडिटोरियम तैयार हो जाए। और ये काम अगर एक दफ़ा आपको कोई केंद्र बिंदु मिल गया तो अलग अलग हिंदू फिरके वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको मिला कोई एक जगह, एक हेडक्वार्टर मिला, उस हेडक्वार्टर के लिए एक ट्रस्ट रजिस्टर कर दी गई है, देर इज नथिंग इन द एयर, दिस इज वन पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब आपका एक दफ़ा वर्ल्ड सनातन पार्लियामेंट बन गया, अब उसमें प्रारंभ होगा कि दिल्ली के अंदर और केरला के अंदर और बंगाल के अंदर इमामों को तनख्वाह दी जाए, और मंदिरों में बेचारा जो पुजारी है जिसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, उसको कुछ ना मिले। ये काम और जितने भी काम हो सकते हैं वो वहाँ शुरू होंगे, क्योंकि एक सेंटर बिंदु हो, बाकायदा विद प्रॉपर प्लानिंग और ये सोचने के बाद ये कार्य शुरू किया जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली आउट ऑफ जोश, इट इज़ विद होश एंड जोश। पर इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी, और वह पहली चोट मार दी गई है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आज पहली दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने हो रही है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हर शब्द जो यहाँ बोला गया है इट इज़ अनअलॉयड ट्रूथ, अमिश्रित सच है, इसके ऊपर काम करना है। और कोई डरना पड़ना नहीं है कि जी हम कत्ल हो जाए, क्यों हो जाए, हम शहीद होने का मौका अखबारों को देंगे, हम नहीं मरने वाले, ना हम इन्हें मरने देंगे। जिनको जो करना है हमको मालूम है, हमको मालूम है कि किसके में कितनी ताकत है, कहाँ कोई क्या कर सकता है। आप क्या समझ रहे हैं
मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था देशभक्त नागरिकों और पूर्व सैनिकों का एक 20 साल पुराना रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल संगठन है। बड़े बड़े जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, एयर मार्शल इसके अंदर मेंबर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान के इम्पोर्टेंट फौजी इसके पार्ट हैं और वो सब इनके साथ हैं। इनके साथ क्या, इस कॉज के साथ हैं और जो कॉज है वो बिल्कुल राइट है, उस कॉज में कोई दिक्कत नहीं। आज तक बताया नहीं, हमको दुख इस बात का होता है, लोग बाग बताते रहे चरित्र, बोले हिंदुस्तान के अंदर हम तो साहब अतिथि सत्कार, सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा, बकवास, ये सब व्यक्तिगत चरित्र है, ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र यानी कि देश की सुरक्षा के लिए इनमें से एक भी चीज नहीं चलेगी। वहाँ पर जीरो टॉलरेंस, वहाँ पर सरप्राइज, डिसेप्शन, हर तरह का षड्यंत्र, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री। पूरी जिंदगी हम ये ढूंढते रहते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ पे है, ताकि ज्यादा ताकत लगा के विजय सुनिश्चित करें, एंड दैट इज अवर वे ऑफ वर्किंग। सो यू प्लीज यू टेक इट दैट यस व्हाट वी आर सेइंग टुडे फॉर द टाइम बीइंग, हमको 6 महीने वॉच कीजिए, यू विल रियलाइज दैट एवरी वर्ड इज सर। ये आप भी इसी तरह से करेंगे, 5 करोड़ मुस्लिम जा रहे हैं अरे यार, 35 करोड़ मुसलमानों को अरेबियन सी में नहीं फेंका जा सकता, ये बात हम समझते हैं। लेकिन हम ये बात भी समझते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो मुसलमान रहे हैं वो अपनी खुशी से रहे हैं, वो यहाँ डर के रहे हैं और वो डर रहे थे, उनका बुरा हाल था जब यहाँ से ट्रेन गई कटकटा के लोगों की और जब वहाँ से भी ट्रेन आई कटकटा के लोगों की, तो यहाँ के मुसलमान भागना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान के और हमारे उस समय के सो कॉल्ड लीडर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेता पर सब जानते हैं, उन लीडर्स ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि जो जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाएगा, सेकुलर होगा। अगर आप गौर से सुने तो जिना की पहली स्पीच के अंदर ये बात थी कि यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी हैं अब सब खुशी से रह सकते हैं। ये उन्होंने षड्यंत्र रचा कि ऐसा कहोगे तो तुम यहाँ से हिंदुस्तान से एक वक्तव्य जारी कर दो। क्या जारी कर दो? कि जो मुसलमान यहाँ हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। आज मुसलमान ये कहता है कि हम अपनी खुशी से रहें, उनको हमारे लोगों ने ज़बरदस्ती रखा है यहाँ, षड्यंत्र, ये चीज़ें सामने आएंगी। सर देखो बात ये है, अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ के या षड्यंत्र के तहत देश के खिलाफ काम कर रही हो या काम कर रही है या काम करेगी, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के चुप बैठे रहेंगे? हम अगर अपनी जान का बलिदान देते हैं तो क्या इसलिए देते हैं कि यहाँ पर लोग टुकड़े टुकड़े गैंग तैयार हो जाएं, या यहाँ पर कोई आदमी कहे कि पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, या कोई हमारे चीफ को सड़क का गुंडा कहे? ऐसी चीज़ों के अंदर ऐसे लोगों के लिए हम बलिदान नहीं देंगे। अरे आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आज वो सिपाही, आज वो 1946 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है, उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो अपना टीवी देखता है और उसको मालूम है कि हमारे देश के नेताओं का भाषण और आचरण कैसा है। कल्पना कीजिए अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूँ जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं या उनकी वकालत करते हैं, अगर उसकी बंदूक का मुँह घूम गया तो क्या होगा? तो सिचुएशन इट इज नॉट सो सिंपल, और इस समय बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं। शायद अगर कुछ लोग देख नहीं पा रहे तो वो उस तोते वाले की तरह है जिसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। पहले उत्तर लोगों को अरब की खाड़ी में फेंका जा सकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत स्पष्ट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। असल में मुसलमान अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भैल हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था,
ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है इसे क्या बोलते हैं हमारे यहां, दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे यह पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए है क्योंकि तू एक लुटेरे को फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है सच, और सच जब पता चलेगा। देखिए मैं और लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का जो कभी हिंदू था वो जब तक मुसलमान के रूप में, वो एक जानवर के रूप में है जिसका ध्येय है दूसरों की बेटियों को लूटना। लेकिन जब उसे अपना उज्जवल इतिहास और इस्लाम की सच्चाई पता चलेगी तो वो बदलेगा और बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव के लिए तुम्हें, मतलब वो लोग जो धर्म के साथ हैं, उन्हें छाती काढ़कर खड़ा होना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा। आज अली सीना ऑस्ट्रेलिया में लिख सकता है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, भारत में नहीं लिखी जा सकती। आज रॉबर्ट स्पेंसर अमेरिका में लिख सकता है, भारत जो विचार की भूमि है, बुद्धिजीवियों की भूमि है, वहां ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई। क्योंकि डर, भय, ये जो डर है हिंदू के अंदर क्रिएट कर दिया गया था, आज इसे निकाल कर फेंकने की जरूरत है। और मेरे बच्चे देखना, तुम देखना, मैं नहीं देखने के लिए रहूंगा, तुम देखोगे क्रांति आएगी। और 35 करोड़ लोग, उनमें से 3-4 करोड़ को छोड़ दो जिन्हें, जिनका यह धंधा बन गया है दूसरों की बहन बेटियों को लूटना, ज्यादातर लोग वापस आएंगे सनातन में और दुनिया सनातन की तरफ चलेगी। स्वामी जी, हिंदू मतलब हिंदू और हिंदुस्तान शब्द से हम सनातनियों को इकट्ठा कर सकते हैं, सनातन और भारत शब्द से इकट्ठा? देखो सबसे पहले जिंदा बचो, अगर जिंदा बचोगे तो आगे कुछ करोगे, और अगर जिंदा ही नहीं बचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए देखिए, 2000 मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है और ये तय है, इसे कोई बदल नहीं सकता। भारत का नाम जब हम लेते हैं, भारत का जब हम नाम लेते हैं तो भारत का नाम आता है, और उससे हमको गर्व की, मतलब जैसे कहता है, फीलिंग होती है। हाँ, हिंदुस्तान से कुछ हुआ ऐसा नहीं लगता। तो हिंदुस्तान तो नाम भी नहीं है ना हमारा, हमारा तो नाम ही भारतवर्ष है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर हम सनातन और, देखिए ये तय कर लेंगे ये आपस में। देखिए मैं बहुत छोटा सन्यासी हूँ, इस बात को कहने लायक नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये बड़े बड़े शंकराचार्य जी को और मठाधीशों को, उनको भी तो कुछ काम करना है ना, बदलाने का काम कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे बदलेंगे, आप बदलोगे वो भी बदलेंगे, जैसे नौजवान बदल रहे हैं वो भी बदलेंगे। लेकिन समाज को एक सोया हुआ जिस तरीके से आबादी है, कोई नहीं जाग जाएगा, सोया हुआ है। आपका सरकारें आपकी कुंडली सोई हुई है जैसे आप बात कर रहे हैं, इनको कैसे झंझोर के आप उठाएंगे? ये देखिए, ये काम माँ और महादेव करेंगे, मेरी तो ताकत नहीं है। मेरा जो काम मुझे दिया गया है उसमें जबाल बराबर भी बेईमानी ना हो जाए। मुझे जो काम दिया गया है, मुझे काम ये दिया गया है कि मुझे खड़े होकर वो काम करना है जो सिक्खी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। लड़ाई योद्धा जीतते हैं, लेकिन योद्धाओं को लड़ने के लिए बलिदान प्रेरित करते हैं। आज हिंदू की हार का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू मरने और जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, और जो मरने के लिए तैयार नहीं है कौम, वो बच नहीं सकती। तो मेरा जो काम है वो, मुझे ये काम दिया गया कि मैं दुनिया को मोहम्मद की सच्चाई बताऊं, जिसके लिए मेरे भाई, छोटे भाई कमलेश तिवारी ने अपनी गर्दन कटवाई है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं कमलेश तिवारी को, वो मेरे छोटे भाई थे, मेरे शिष्य थे, लेकिन आज उनका कद मेरे जैसे नरसिंहानंद से हजारों गुना बड़ा है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि मुझे उस लाइन में खड़ा होने का मौका दे, ताकि कल मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे गर्व करें कि हमने किसी को अपना गुरु बनाया था। तो मेरा अपना काम है। देखो मैं अपने काम के बारे में बता सकता हूँ, शंकराचार्य क्या करेंगे ये वो जाने, माँ मंडलेश्वर क्या करेंगे वो ये जाने, मेरा जो काम है मैं केवल उसके बारे में बताऊंगा। और मैं ये जानता हूं कि केवल किसी दिलेर का बहता हुआ खून ही बदलाव लाता है हमेशा, इतिहास इसका गवाह है।
यदि अभिमन्यु का कत्ल नहीं हुआ होता बेईमानी से, तो महाभारत जीता नहीं जा रहा था, क्योंकि अर्जुन कोई भी अधर्म अनीति करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अभिमन्यु का कत्ल महाभारत का वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद सारे योद्धा मारे गए, वो लोग जो अनीति की तरफ थे। तो मेरे बच्चे, जाग जाएं, अर्जुन की नींद से उठ जाएं, इसके लिए बलिदानों की जरूरत है। और मैं, मेरा अपने चेलों, अपने जितने शिष्य हैं, हम सन्यासियों में चेले बोलते हैं और शिष्य, मेरा उनसे यही कहना है, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। जिस दिन हम अपनी चिताएं साधु गिराना सीख लेंगे, हमारे शिष्य दुश्मन की छाती का चीर कर उनका लहू पीना अपने आप सीख जाएंगे। यानी कुर्बानी मांगता है? कुर्बानी नहीं, बलिदान मांगता है। कुर्बानी तो बकरों की होती है, हमारा धर्म बलिदान मांगता है और हमें बलिदान देने हैं। बलिदान जब होगा उसके बाद ही क्रांति आएगी, मुझे तो यही लगता है। यानी उसके लिए बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं 99.99% आप रेडी, 100 मैं रेडी 100% ही हूँ, 24 घंटे इसके लिए रेडी हूँ। मैं केवल दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इन जानवरों का असली चेहरा क्या है, इन कातिलों का, इन लुटेरों का, उन लोगों का जिन्होंने अफगानिस्तान में, जहाँ इस्लाम का, जहाँ इस्लाम का राज है, गेट बना रखा है, दुख तरे हिंद नीला में दो दीनार। मैं हिंदू कुश पर्वत, जहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, उसकी पीड़ा के से तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूं। मैं हिंदुओं को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम किन के बेटे थे। आज लोग कहते हैं महाराणा प्रताप के बेटे, झूठ बोलते हैं। महाराणा प्रताप जिस समय युद्ध लड़ रहे थे, ज्यादातर लोग उनके विरोध में थे, लेकिन यह हमें भेड़ बनाया गलत धर्म ने, आज उसे सुधारने का समय है। वास्तव में हम अर्जुन के, श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमने उन्हीं का वंशज बनना है। 1400 साल के इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का समय आज आ चुका है। बताओ भैया। सर, मेरे ख्याल से जंग जो है मार्ग जीती जाती है, मार्ग नहीं। ये कहां का सिद्धांत है पहले बताओ, मिलिट्री साइंस में क्या ये सिद्धांत है? जो कौम मरने के लिए तैयार नहीं है वो जंग में जा ही नहीं सकती। आपको सत्तावत और चूड़ावत की कहानी याद है? आपको हाड़ी रानी की कहानी याद है, जिसने अपने पति को, क्योंकि वो अनमना था, अपना सिर काट के भेजा था? हम पद्मिनी के बेटे होकर, हम राणा सांगा के बेटे होकर इन झूठे सिद्धांतों में कैसे विश्वास रख सकते हैं? हम उनके बेटे हैं जिन्होंने ये कहावत दी थी कि 12 बरस तक कुत्ता जीवे, 16 बरस तक GSR और 22 बरस तक छत्री जीवे, आगे जीने को धिक्कार। जिसके 10 साहू नहीं और बैरी नहीं 50, ए जननी तू क्यों जना, क्यों बोझ सहानो मास। और जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, वरना रह तू बांझणी, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। हम अपने धर्म को भूले बैठे हैं बेटा। हम भेड़ नहीं थे, हम शेर थे, लेकिन भेड़ियों के दलालों ने हमें ऐसा वस्त्र पहना दिया, हम ये समझ बैठे कि भेड़ हैं। और सुनो, लोग एकता की बात करते हैं, मैं कहता हूं एकता करोड़ भी अगर भेड़ों में एकता हो गई तो उससे क्या फायदा, एक भेड़िए को भी नहीं कत्ल कर पाएंगी। हमें अपने लोगों को शेर बनाना है। और जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाला, हमें अपने लोगों को शेर बनाना है। गीदड़ों ने मुनू में सिंह बनावा, तय गोविंद सिंह नाम धरावा। तो भैया याद रखो मेरे बच्चों, बोलेगा तो खून बोलेगा। और ये झूठा सिद्धांत जो तुमने बॉर्डर फिल्म से ले लिया ना, और हिंदू संगठनों को तो बड़े मजे आ गए ये कहने लगे, लेकिन सत्य तो ये है कि जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता दी थी तो यही कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि योद्धा के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि तू युद्ध में मारा भी जा सकता है। वरना तो वो भगवान थे, उन्हें अपने बहनों ही से कहना चाहिए था, अपने शिष्य परम शिष्य थे, कि तू चिंता मत कर, सारे ये मारे जाएंगे। योगेश्वर जो सारे भविष्य को जानते थे,
उन्होंने भी अपने शिष्य को मरने के लिए तैयार किया था, जीतने के लिए नहीं। जीत बाद की बात है, पहले तू लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जा। और एक बात सुन लो, जो मरने के लिए लड़ते हैं उन्हें कभी हराया नहीं जा सकेगा। इसीलिए नरसिंहानंद हार कर नहीं जाएगा दुनिया से।